गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक एक्सपोनेंट्स। आज आपका टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंट्स है, जिसे हिंदी में हम घातांक बोलते हैं। ओके बेटा, चलिए आज जो मैं आपके बीच डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें सम क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपको दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, ठीक बेटा। चलिए सॉल्व द फॉलोइंग में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया जा रहा है 2/5 की होल पावर 2। ये जो पावर है ना बेटा, इसको हिंदी में घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? घात बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए देखिए, आपको दिया गया है 2/5 की होल पावर 2। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर भी पावर है, और न्यूमरेटर यानी 5 जो दिया गया है इसके ऊपर भी पावर आपकी 2 ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2/5 की होल पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, ऊपर वालों को पावर कितनी है, 2 है, तो 2 times से मल्टीपल करेंगे। तो 2 × 2/5 है ना, 5 को भी 2 times मल्टीपल करेंगे। 5 × 5 = 4/25। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ये जो आपको दिया गया था क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला गया। -3/5 की होल पावर 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा ही नोट डाउन कर लीजिए, -3/5 की होल पावर 3। देखो पावर 3 है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों का 3 times मल्टीप्लाई होगा विद साइन। देखिए यहाँ पे साइन माइनस का दिया गया, तो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा माइनस, ठीक है, -3/5 × -3/5 × -3/5। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, -3 × -3 × -3/5 × 5 × 5, ठीक है। दोनों में आप चाहे आप इस तरीके लिखिए, चाहे इस तरीके, दोनों राइट होगा, ठीक बेटा। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे ये चीज देखिए, देखिए नंबर का तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 अपॉन, ठीक है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ओके। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए, जो साइन दिया गया है, साइन का मल्टीप्लाई करना है। तो आप हमेशा एक चीज ये याद रखिएगा, जैसे कोई नंबर है माइनस में दिया गया और इसकी पावर ऑड नंबर हो, कैसा, ऑड, ठीक है, तो उसमें जो साइन आएगा नंबर का तो मल्टीपल हो गया, जैसे 4 × 4 × 4, और जो माइनस का साइन है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को देखिए, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, ओके। अब देखिए पावर कितनी थी, ऑड पावर थी, या फिर 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो साइन माइनस का नंबर दिया गया था, इसकी होल पावर ऑड पावर, मतलब जो पावर है वो ऑड है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, देखिए माइनस है और पावर क्या है, ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता तो प्लस आता, ठीक है, ऐसे ही लिख देते, लेकिन यहाँ ऑड नंबर है पावर में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ -4/5 दिया गया, और इसकी पावर क्या है, 4 है, और जो ये पावर है ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। पावर में कौन सा नंबर है, पावर कैसी है, इवन पावर है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, -4/5 की होल पावर 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो -4 × -4 × -4 कितने टाइम्स लिखेंगे बेटा, 4 times लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पावर 4 दिखेगी, और नीचे क्या है उसको भी हम 4 times लिखेंगे, क्योंकि पावर दोनों में लगी हुई है, ठीक है, जो ये पावर दी गई है दोनों में, होल पावर है ना, तो 5 × 5, ठीक है। अब पहले नंबर के नंबर से मल्टीपल कर दीजिए, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, और 4 से फिर मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया,
256, कितना आ गया बेटा 256। अब यहाँ देखिए 5 5 25 25 5 5 कितना होता बेटा 125, और फिर उसका मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया 625। ओके अब यहाँ पे देखिए जो इस पे पावर थी माइनस का जो नंबर दिया गया, जो पावर दी गई वो इवन नंबर, तो यहाँ पे जो नंबर आपको निकलेगा ये प्लस की निकलेगी वैल्यू। कैसे निकलेगी? प्लस की वैल्यू निकले, माइनस की नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पावर दी गई है उसको देखा इवन नंबर है, और जो आपको यहाँ बेस दिया गया है बेस में माइनस लगा है और पावर इवन है, तो जो आपको वैल्यू निकलेगी वो प्लस में निकलेगी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, जो ये क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी जो नंबर दिया गया है वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर दिया गया है आपको, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि घातांकी रूप में इसको आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आपको रेशनल नंबर दिया गया उसको राइट डाउन कीजिए और इक्वल लगाइए, और जो ये आपको दिया गया है यहाँ पे, यानी कि जो नंबर है देखिए 1 है, 1 वो ऐसे ही रहने दीजिए, जो एन अदर नंबर है इसका क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फैक्टर 32 का आप फैक्टर करेंगे कितना है बेटा 16, फिर 2 से, फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 9, फिर 1। ओके बेटा, तो देखिए आप इसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखें, मतलब इसको आपको राइट डाउन करना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि आप 2 को कितने बार लिखे हैं? 5 टाइम्स लिखे हैं। तो अब इनको पावर में लिखना है तो क्या करते हैं, देखिए इन सब पे पावर 1 है, इससे तो कोई पावर नहीं देख रही, यानी कि 1 है, तो 1 1 1 1 1। देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, a^m (a^n) = क्या होता है, a^m + n, यानी कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या होती बेटा? ऐड हो जाती है। तो वही काम यहाँ करना है, लेकिन सब में बेस जो दिया गया है सेम दिया गया है। ठीक है, ठीक बेटा, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 होल पावर, देखिए 1 कितने टाइम्स है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 टाइम्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 होल पावर 5। फैक्टर किसके किए थे? 32 को, यहाँ पे आप 32 भी तो लिख सकते हैं, 32 का फॉर्म ही तो है 2 होल पावर 5, तो आप यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 5, एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया इसका, समझ में, घातांकी रूप हो गया। ठीक है, तो आप अगर इस ऐसे जो आपने लिखा 1/2 होल पावर 5, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप इसको हटा भी की उतनी भी, ठीक है, अगर आप कॉपी में राइट करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/32, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल टू 1/2 होल पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 32, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस 32 को आया ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 32 ऑफ इक्वल टू 1/2 होल पावर 5, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, मैथ है बेटा, रटन तो विद्या नहीं है कि रट लिया एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1/32 = 1/2 होल पावर 5। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और बताएंगे आपको बस। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान दीजिए, ये लास्ट है, इसको ध्यान दीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया इसलिए। ठीक है, देखिए आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किस, निकालना
-27/125। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप सबको इसके क्या करने हैं, क्या करने हैं, सबसे पहले आप 27 और 105 के कर लीजिए। 27 का फैक्टर आपने यहाँ किया, 3 से गया 9, फिर 3 से फिर 3 फिर 1, ओके। और यहीं पे फैक्टर आपने कर दिया 125, बेटा 5 से गए 25, फिर 5 से 5 फिर, ठीक है। तो आप इन सबके अलग अलग फैक्टर, देखिए ये माइनस का था तो यहाँ पे -27 लिख दीजिए, इक्वल टू -3 × -3 × -3, आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि माइनस का है ना नंबर, यहाँ पे आप ना लिखिए लेकिन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और ये जो आपने 125 का निकालना है तो आप ऐसे 125 इक्वल टू कितना, 5 × 5 × 5, ओके बेटा, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसी को यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए इसको लगा के, ठीक है। ये जो -27 का है कितने है, ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, -3 की होल पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप -27 कितने है, -3 की होल पावर 3 अपॉन, ठीक है, 5 की होल पावर 3, देखिए दोनों में पावर सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 अपॉन 5 की होल पावर 3, ओके बेटा, आपको इतना समझ में आ गया, ये 3 दिया गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ठीक है नोटिफिकेशन का बेल वाला ऑप्शन क्लिक जरूर कीजिए, क्यों, क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, ओके। थैंक यू वॉचिंग दी वीडियो।